हेलो दोस्तों, वेलकम टू किम डॉक्टर एबी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फॉर्मेशन ऑफ अनायंस। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ अनायंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन। ओके, और इसी के साथ साथ जो अदर अनायंस है, ठीक है, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अनायंस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ अनायंस। क्लियर है? इसके पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ कटायंस के बारे में, उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, है ना, मैग्नेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है, वो हमने जो है डिस्कस किया था। एक्चुअली जो कटायंस है, एनायंस है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे क्या है, दोस्त है। क्लियर है? क्योंकि जब दोनों पास में आ जाते हैं तो एक नई चीज बनती है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स में। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले कटायंस और अनायंस के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? सो जैसे फॉर्मेशन ऑफ अनायंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अनायंस मीन्स व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, अनायंस कहते हैं। क्लियर है? नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम लोग अनायंस कहते हैं। जैसे कि हम लोग सीएल नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, ओ डाई नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि सीएल नेगेटिव ये कैसे बना है, ये बना है क्लोरीन से, है ना, लेकिन सीएल नेगेटिव जो आयन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन। मेटल के केस में हम लोग हमेशा जो भी उसका एक्चुअल नाम है वो नाम लिखेंगे और आयन लगा देंगे, यानी जैसे सोडियम है तो सोडियम आयन, पोटेशियम है तो पोटेशियम आयन। लेकिन नॉन मेटल के केस में जो है नाम चेंज हो जाता है। अगर क्लोरीन बोला तो सिर्फ क्लोरीन, यानी क्लोरीन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ सीएल, ठीक है, क्लोरीन अगर बोला, क्लोरीन बोला सिर्फ, तो उसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ सीएल। लेकिन क्लोराइड बोला इसका मतलब क्या है, सीएल माइनस। तो ये जो है डिफरेंस अपने को यहाँ पर समझना है। जैसे ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन बोला तो ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ओ। लेकिन ऑक्साइड बोला, ऑक्साइड आयन बोला तो ऑक्साइड आयन का मतलब क्या हुआ, ओ डाई नेगेटिव। सिमिलरली नाइट्रोजन यानी एन, नाइट्रोजन देखिए सिंबल में बहुत फर्क पड़ता है, नाइट्रोजन मतलब एन, लेकिन जैसे नाइट्राइड आयन बोला तो एन ट्राई नेगेटिव, नाइट्राइड आयन। क्लियर है? इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, पॉजिटिवली चार्ज आयन के बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है, किसके बारे में, पॉजिटिवली चार्ज आयन के बारे में डिस्कस किया। अब हम किस बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम नेगेटिवली चार्ज आयन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज अनायन। क्लियर है? जो कि ये कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनायंस ये नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं मतलब कैसे बनते हैं, ये सब बेसिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन कैसा है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा उसको हम लोग और भी ठीक है क्या कर लेते हैं, और भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्लियर है? अनायंस कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है अनायंस बनते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है अनायन बनते हैं। ओके, और एक बात जो यहां पर हम लोग को डिस्कस करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मतलब इनके एक देख लीजिए जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एटम के बारे में, ठीक है, वैलेंस शेल में जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे ये आप ध्यान में रखिए, ये होंगे 5, 6, 7 इस नंबर में, ठीक है, जो अनायन बनाते हैं, यानी जिनसे अनायन बनता है, जिन एटम से, तो उनके वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रहना चाहिए, तब जाके वो क्या बनाएंगे, अनायन बनाएंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाएंगे। क्लियर है? अब चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोगों ने वैलेंस शेल के बारे में। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। क्लियर है इतनी बात? ओके, सो अगेन जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, अपने को क्या क्या चीज़ जरूरी है इन्फॉर्मेशन के बारे में, अगर मैं बात करूँ तो किन पॉइंट्स के बारे में अपने को जरूर ध्यान में रखना जरूरी है, किन पॉइंट्स को, सो वही है, एटॉमिक नंबर अपने को पता होना चाहिए। क्लियर? एटॉमिक नंबर के साथ साथ अपने को क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने वो पता होना चाहिए, ठीक है,
वैलेंशियल उसमें अपने, सॉरी सबसे पहले तो हम लोगों को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको पता चलेगा कि वैलेंस शेल कौन सा है एंड एंड वैलेंस शेल कौन सा एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्लियर है। फिर उससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है, एटमिक नंबर से क्या पता चलेगा, एटमिक नंबर से नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है उसके पास में, नियरेस्ट नोबल गैस उसके पास में कौन सा है, ठीक है। वैलेंस शेल एंड उसके इलेक्ट्रॉन्स हमको पता चल जाएंगे। फिर हमको पता चलेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कोई जो भी पर्टिकुलर एटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखकर, है ना। अगर मान के चलिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अगर 6 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है ना। सो ये इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ओके, लाइक ए नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है। नोबल गैस आप देखते हैं, नोबल गैस जितने भी है नोबल गैस, ठीक है, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, वैलेंस शेल में इनकी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन एंड दे आर हाईली स्टेबल, है ना। और हम इनसे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि अगर कोई एटम इस तरह से व्यवहार शो करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा नोबल गैस की तरह, तो वो भी कैसा होगा, वो भी इट बिकम्स स्टेबल, क्लियर है। सो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनायंस के बारे में। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ अनायंस के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अनायंस में वो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन मतलब Cl-, इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड आयन, जो कैसे बनेगा, क्लोरीन से बनेगा, क्लियर है। सो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, तो जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा स्टेप है, वो हम उसी हिसाब से चलेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज, ठीक है, कितना होता है क्लोरीन का, 17 होता है, ठीक है। कुछ नॉन मेटल है जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लोरीन है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, क्लियर है। नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लियर है। फॉस्फोरस कितना होता है, 15, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन, इसका कितना होता है, 9, ओके, तो ये सब चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे हम लोग, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा साथ साथ। सल्फर कितना होता है, 16, ओके। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, एटमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज 17। सो चलिए आगे बढ़ते, एटमिक नंबर 17 है मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास में, 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, किसकी, क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन के पास में है, एटमिक नंबर इसका 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, सबसे पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, ठीक है, तीसरे शेल में 18 हो जाएंगे, ठीक है, तो 2, 8, 10 हो गए, और जो थर्ड शेल है उसमें कितना जाएंगे, 7, ठीक है, तो ये हो गया के एल और ये हो गया एम, तो जो आपका लास्ट शेल दिख रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा है आपका लास्ट शेल, ये है आपका वैलेंस शेल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ये है वैलेंस शेल, ठीक है, ये क्या है, वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल अपने को पता चल गया, तो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन वैलेंस सेल,
वैलेंस शेल। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ठीक है, सो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट है। और जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये सभी क्या है, किसके एग्जांपल्स है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 7 हो गए, क्लियर है? अब यहां से क्या समझ में आएगा, टू बिकम स्टेबल ठीक है, इसको स्टेबल होना है, टू बिकम स्टेबल। अभी ये स्टेबल नहीं है ना, बिकॉज इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, क्योंकि अभी कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। सो इट टू बिकम स्टेबल, इसको स्टेबल होना है ठीक है, स्टेबल होना है। क्या करना पड़ेगा इसको स्टेबल होने के लिए? इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इसका ऑक्टेट ठीक है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। यही तो हम लोग चाहते हैं ठीक है। सो देखिए, ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किए किसके बारे में, जो भी कटायंस के बारे में डिस्कस किए है ना, कटायंस क्या करते थे? कटायंस क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे ठीक है, कटायंस क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे, इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे। तो ये जो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ना आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? कटायंस और एनायंस से मिलकर। तो कटायंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, और अनायंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो जब आयनिक कंपाउंड बनता है, जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो होता क्या है, जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल आपका कटायन है वो मतलब जो भी कटायन है ना, कटायन कैसे बना? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो उसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो कौन गेन करता है? वो गेन करता है ये हमारे नॉन मेटल है ना, जैसे कि ये हो गए अनायंस, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जाम्पल। सोडियम क्लोराइड ये कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से बना हुआ है। तो सोडियम आयन कब बनेगा? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्लोराइड क्लोरीन, जब जाके वो क्लोराइड आयन बनेगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है ना, मतलब कोई देने वाला है इसलिए कोई दूसरा जो है वो ले रहा है, क्लियर। तो ये जो आयन्स वाला कंसेप्ट है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आई होप कि ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है। सो इतने बात को मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, क्लियर है? सो आप देख सकते हैं टू बिकम स्टेबल, इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। ओके, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो हमको क्या लिखना पड़ेगा इस केस में कि इन ऑर्डर टू अचीव वही जो हम लोग हमेशा लिखते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, नोबल गैस कौन सा नियरेस्ट नोबल गैस है इसके पास में ठीक है, आर्गन है, कौन सा है? आर्गन। आर्गन का कितना होता है? 18, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो ये पास में ठीक है, क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन एटम जो है हमारा, क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। अरे अदर एटम कौन हो सकता है? जो इलेक्ट्रॉन ठीक है लॉस करता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है ठीक है, वो जो हो जाएगा अदर एटम में ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है ना, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कटायन के फॉर्म में, क्लियर है? सो सिमिलरली इस तरह से हमने डिस्कस किया। तो क्लोरीन क्या करेगा? जैसे क्लोरीन मैंने आपको बताया ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन के बारे में कितना है? 17 है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 2 8 7 है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस, अब इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? 2 8 8, क्योंकि आखिरी शेल जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वैलेंस शेल से होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे गेन कर रहा है कोई पर्टिकुलर आइटम तो वो कहाँ जाएंगे? वैलेंस शेल में जाएंगे। अभी वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अभी वैलेंस शेल में कितने हो गए? अभी जो है वैलेंस शेल में ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब क्या कंप्लीट हो गया इसका? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब क्या हो गया ये हो गया स्टेबल,
क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्यों स्टेबल हो गया ये, बिकॉज जो ऑर्गन है इसका भी कितना है 288। क्लियर है इतनी बात? सो इस तरह से जो है क्लोरीन एटम नाउ बिकम स्टेबल। ओके, सो क्लोरीन अगर आप देखेंगे एटम के फॉर्म में तो इट इज अनस्टेबल, लेकिन क्लोराइड आयन के फॉर्म में, क्लोराइड आयन के फॉर्म में कैसा है ये स्टेबल, ठीक है। क्लोराइड आयन के फॉर्म में कैसा है ये स्टेबल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इट शोज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ ए नियरेस्ट नोबल गैस। ओके, सिमिलरली अगर आपको डायग्रामेटिकली समझना है इसको तो वही एक तरीका है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, क्लोराइड आयन है ना, तो ये 17 इसमें प्रोटॉन है, 17 इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लीजिए इसकी, क्लोरीन 17 कितना है 287, मतलब आपको कितने शेल की जरूरत है यहाँ पर, यहाँ पे 3 शेल की जरूरत है, ठीक है। तो 3 शेल की जरूरत है तो ये हमने बना दिया 3 शेल, और सेकंड जो हम लोगों को बनाना है वो है क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन मतलब 288, जस्ट लाइक आर्गन 288। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 17 प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और शेल कितने हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शेल कितने हैं, 3 है। पहले क्या होता था, शेल वैनिश होता था, अभी क्या हुआ, शेल वैनिश हुआ क्या, नहीं, उसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इस केस में बढ़ गया, और शेल एज इट इज है, इसमें भी 3 शेल है, इसमें भी 3 शेल है, और कार्डियन के केस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जो है वैनिश होते थे, क्लियर है। अब जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो करना हमको, तो पहले जो पहला जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंड शेल में आप डाल दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से, ठीक है। और लास्ट शेल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है 7, ये हो गए 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो टोटल वहां पर क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनाना पड़ेगा, 8, ठीक है। सेकेंड शेल में 8 तो है ही, यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो लास्ट शेल है इसमें भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन डालना है, 8 इलेक्ट्रॉन, ही हो गए 4, 5, 6, 7। हाँ, तो डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान में देना है कि जो जितना जैसे आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से जो है जैसे फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालना है ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ किसी भी तरह की नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है जैसे कि, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ये क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है, ये गेन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो ये जो डायग्राम है ये हमको क्या बताता है, ये डायग्राम शो करता है हमें डायग्राम, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लियर। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन ये जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, सो इसके साथ साथ आप और कौन से जो एटम है जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम के केस में लिथियम पोटेशियम, सो क्लोरीन है जैसे कि, तो क्लोरीन के साथ में जो इसके फैमिली में जो है, ठीक है, वह है फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, एक्चुअली ब्रोमीन का तो एटमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका डायग्राम भी बनाना हमको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज, ठीक है, इसका एटमिक नंबर होता है 36, क्लियर है, कितना होता है, सॉरी इसका एटमिक नंबर होता है 35, 36 नहीं होता, 35 होता है, क्लियर है। क्रिप्टॉन के नज़दीक, यानी इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस इसके साथ इसके पास में होता है वो होता है क्रिप्टॉन, जिसका एटमिक नंबर होता है 36। फ्लोरीन का आप बना सकते हैं, फ्लोरीन का एटमिक नंबर था 9, तो इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस होगा वो होगा नियॉन, क्लियर है। सो फ्लोरीन क्या बनाएगा, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है ये बनाएगा फ्लोराइड आयन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, फ्लोराइड आयन। तो ये भी बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्लोरीन के बारे में हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर।
सो फ्लोरीन के केस में सिंपली क्या होगा, 9 है यानी 2 7, क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये बन जाएगा फ्लोराइड। एटमिक नंबर चेंज नहीं होगा, एटमिक नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये, चलिए थोड़ा हम इधर डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, एफ 9, ठीक है, नेगेटिव जैसे ये बनेगा, यहाँ से ये नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया 2 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, किसकी तरह से, नियॉन की तरह से 2 8, सो दिस इज स्टेबल। ठीक है, आयन, ये स्टेबल आयन है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन मतलब O डाई नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड आयन। कैसे बनेगा ये बनेगा ऑक्सीजन से, है ना, वो जो सिंबल होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, अगेन एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये आपको हैबिट डालना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, कितना होता है 8, क्लियर है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 6, तब जाके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, फर्स्ट शेल में 2, बाकी बचे कौन से, सेकंड शेल में, है ना, के शेल में 2 है, एल शेल में कितने हैं, 6 है सेकंड शेल में। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6। नाउ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, टोटल 6 है। ठीक है, इसको 6 है, अभी इसको कंप्लीट क्या करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्या करना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अभी 6 है। वैलेंस शेल में अपने को कितने चाहिए, अभी वैलेंस शेल में अपने को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना पड़ेगा, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्लियर है, तब जाके क्या बनेगा, ऑक्साइड आयन बनाएगा, क्लियर है। सो हमने देख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो क्या करना पड़ेगा, टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल, ठीक है, टू बिकम स्टेबल क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ठीक है, टू बिकम स्टेबल क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा फ्रॉम अदर एटम, है ना, फ्रॉम अदर एटम। ठीक है, जो भी एटम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, या कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसके पास से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम अदर एटम, ठीक है, टू बिकम स्टेबल, है ना, मतलब किसकी तरह जो है अचीव करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी तरह अचीव करेगा, ठीक है, किसकी तरह अचीव करेगा, जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट कौन सा है, नियॉन, नियॉन का 10। ठीक है, अब मैंने लिखने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है, तो आप लोगों को लिखना है, अभी मैं आप लोगों को, ठीक है, मेन मेन पॉइंट समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पड़ेगा इसको, किसका, नियॉन का, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, अभी जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ओ डाई नेगेटिव और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2 8, किसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, जस्ट लाइक नियॉन, नियॉन का कितना होता है 2 8। सो नाउ दिस ऑक्साइड आयन इज स्टेबल, जो ऑक्साइड आयन कैसा है, स्टेबल है। ऑक्साइड आयन के बारे में 2 नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज ऑक्सीजन में देख लीजिए आप, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने इसमें, 8 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, सो नो चार्ज, 0 चार्ज आएगा इसमें। ठीक है,
लेकिन ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 प्रोटॉन तो है इसमें, ठीक है 8 प्रोटॉन तो है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन, दो नेगेटिव चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया ना। अब पहले 8 इलेक्ट्रॉन था, अभी कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कैलकुलेशन कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ नेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर में कितना आया 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है इसके ऊपर क्या आया 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आया, क्यों, बिकॉज ऑफ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया, ठीक है। सो सिमिलरली जैसे कि हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं वो हमको हर केस में समझना है, ठीक है डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है ऑक्सीजन का 8 प्लस यानी प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है टोटल नंबर ऑफ शेल 2 शेल है, ठीक है कहां से समझेंगे हमको, ये हमको समझेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये हम डायग्रामेटिकली समझ रहे हैं, ठीक है ये भी पूछता है डायग्रामेटिकली शो करो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन क्लोराइड आयन, तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है गेन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन का ये गेन करेगा, देखिए प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। सो पहले शेल में इसके है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकेंड शेल में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है और इसके सेकेंड शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है तो ये बनाना बहुत जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक सो ये 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बना लिया, क्लियर है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्सीजन 8, ठीक है एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन ऑक्साइड हो गया ये, तो इसका हो गया O, ठीक है 2 8, क्लियर सो इसका क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, किसकी तरह नियॉन की तरह 2 8, ओके सो ये क्या हमको बता रहा है डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयंस, ठीक है तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हो, ठीक है ये जो भी इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हो, ठीक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है गेन्स, ठीक है तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, क्लियर है इतनी बात। तो अब जैसे कि ऑक्साइड आयन के बारे में आप डिस्कस किया, उसी तरह से आप सल्फाइड आयन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आप किसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं सल्फाइड आयन के बारे में, एस डाई नेगेटिव, ठीक है सल्फर जो होता है ये ऑक्सीजन की फैमिली को बिलोंग करता है, 16 इसका होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 6 ये इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देख सकते हैं जस्ट लाइक ऑक्सीजन, ठीक है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। डायग्राम बनाते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि इस जैसे ऑक्सीजन के केस में 2 ही शेल है, सल्फर के केस में कितने आएंगे 3 शेल आएंगे, ठीक है सल्फर के केस में कितने आएंगे 3 शेल आएंगे, ये तो न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, ठीक है ये जो है आपके 3 शेल आएंगे और इस तरह से आपको शो करना है, क्लियर सल्फाइड आयन एस डाई नेगेटिव, तो आप बना के देखिए या कोशिश कीजिए, है ना कैसा आपने खुद से भी करना बहुत जरूरी है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी बेहतर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज थर्ड पार्ट में, ठीक है वह है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन बोले तो एन ट्राई नेगेटिव, ठीक है नाइट्राइड आयन बोले तो एन ट्राई नेगेटिव, ये कैसे बनेगा, ये नाइट्रोजन से बनेगा, नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन से बनेगा, सो नाइट्राइड आयन, सो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, आपको भी पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर इसका 7, ठीक है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब इसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7, जो इसका एटॉमिक नंबर है यही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में 2 बचे कितने 5, तो वो 5 हो गए, मैंने आपको बताया कि 5 अगर है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3, तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्लियर।
सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, ये है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने टोटल 5। अब इसको अचीव करना है या इसको स्टेबल होना है, टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल किसको, नाइट्रोजन को, टू बिकम स्टेबल, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कहां से गेन करना पड़ेगा, फ्रॉम अदर एटम, फ्रॉम अदर एटम। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, मतलब अब जो नाइट्रोजन जो था 2-5 था, है ना, अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन गया ये नाइट्रोजन 2-8, मतलब अब ये नाइट्राइड आयन बन गया, क्या बन गया ये नाइट्राइड आयन बन गया, क्लियर है, अब क्या बन गया वो नाइट्राइड आयन बन गया। नाउ नाइट्राइड आयन किसकी तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन शो कर रही है, नाइट्रोजन जो 7, इसके नियरेस्ट कौन सा है, नियॉन 10, तो ये किसकी तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन शो कर रहा है, नियॉन की तरह, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। सो नाउ दिस नाइट्राइड आयन, ठीक है, नाउ दिस नाइट्राइड आयन ये कैसा है, स्टेबल, ठीक है, ये कैसा हो गया, ये हो गया स्टेबल, क्लियर है। सो इसी तरह से आपको लिखना है, आपको वो सब लिखना है, क्या नियरेस्ट, इन ऑर्डर टू अचीव द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस इट हैज टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम टू बिकम स्टेबल, ऐसा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है नाइट्राइड आयन बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्लियर। इसके बाद में आप लोगों को डिस्कस करना है डायग्रामेटिकली, तो बस डायग्राम बना लीजिए, कैसे बनाएंगे डायग्राम आप, पहले तो ये हो गया नाइट्रोजन है तो 7 प्रोटॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम में तो कोई चेंज नहीं होगा ज्यादा, 7 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास में, तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। सबसे पहले तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पर, इसका कॉन्फिगरेशन है 2-5 और इसका कॉन्फिगरेशन है 2-8, है ना, 2-8। सो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो कहाँ जाएंगे, जो वैलेंस शेल है ना वहां पर, क्योंकि उसको वैलेंस शेल जो है इसका सेकेंड वाला, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 8 की होती है, अभी भी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे वैलेंस शेल में। तो अब आप इसका जो डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरह से बनाओगे, सेकंड पहले शेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन सेकंड शेल में कितने हो गए, अब सेकंड शेल में हो गए अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, क्लियर। तो इस तरह से डिस्कस करना है, इसी तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन मतलब फॉस्फोरस ट्राई नेगेटिव, क्लियर, इसका नाम है फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन कैसे बनेगा, फॉस्फोरस 15 है, एटॉमिक नंबर इसका 2-8, सॉरी एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2-8, कितना हो जाएगा 5, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, है ना, तो आप इसका भी क्या देख सकते हैं, फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पी ट्राई नेगेटिव दैट इज फॉस्फाइड आयन, ओके। सो आप कोशिश कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, आप लोगों को बेहतर तरीके से ये सब जो पॉइंट्स हैं ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो डिस्कशन हम लोग करेंगे दोनों के लिए, कटायंस, ठीक है, और अनायंस, ये दोनों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ओके। सो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, और जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको पुराना टॉपिक अच्छे से समझ गया तो ये आपको और भी अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो अच्छे से स्टडी कीजिए, ध्यान रखिए अपना, हमेशा खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।